हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे बना ली हूँ पोहा। तो बच्चों की हो गई है छुट्टी, तो छुट्टी हो गई है तो घर में ही नाश्ता करेंगे। और जब स्कूल रहता था तो जल्दी जाते थे तो उधर ही नाश्ता कर लेते थे, और घर से बना के देते तो उतना जल्दी नाश्ता नहीं करते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। तो मेरा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट है और देखिए कब तक चलता है। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि आज की जो वीडियो है पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे कुछ कुछ खाना बन गया है, अभी कुछ कुछ बाकी है और सब खा भी लिए हैं मैंने। पूरी ये भटूरा जो है, भटूरे तल दी थी और बच्चों ने खा लिया है। बस हम दो लोग हैं तो हम दो लोग के लिए तलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तेल फिर से गरम कर दे रही हूँ और अभी बनाना है रायता। तो रायता भी हम दो ही लोग खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं जो है ना पूछ के ही बनाती हूँ। रायता वगैरह बच्चे ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, बूंदी वाला रहता है तो पसंद करते हैं। और वो लौकी वाला है, लौकी वाला हम दोनों को ही अच्छा लगता है। और एक कमेंट आया था कि आप हंसते नहीं हो, तो मैं हंसती हूँ। और जब अकेले काम करती रहती हूँ ना तो नहीं हंसती हूँ, अकेले में कौन हंसेगा, है ना। सामने वाला अगर बात कर रहा है तो फिर हंसी भी आती है, नहीं तो अकेले में क्या हंसना है, तो हंसती हूँ ऐसा। और यहाँ पे हम दोनों के लिए भटूरा तल लेते हैं। और जो भटूरे का आटा था ना, मैं भटूरा और पहले बना चुकी हूँ उसका, बच्चे खा लिए हैं। और ये चले गए थे ऑफिस, ऑफिस में काम था तो बोले कि काम जो है ऑफिस का निपटा के आते हैं फिर खाते हैं। और जब चले जाते हैं ना तो फिर उधर कोई ना कोई मिल जाता है, फिर बातें भी करने लगते हैं। तो नहीं आए थे तो अभी आए हैं और बज रहे हैं दो। और दोपहर में थोड़ा सा ना किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है, आजकल गर्मी भी होने लगी है। वैसे तो बीच बीच में मौसम जो है ठंडा हो जाता है, अभी मेरे यहाँ बीच बीच में आंधी और बारिश दोनों आ रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा मौसम कभी कभी ठंडा हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो भटूरा तलने के बाद मैं यहाँ पे बना लेती हूँ रायता लौकी का। तो लौकी जो है मैंने जीरा डाल के छौंक दिया था और इसमें कुछ नहीं डाला था, बस धीमी आंच पे पका ली थी दही को मथ के। बस इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और हींग डाली हूँ और थोड़ी सी चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो मेरे यहाँ तीखा नहीं खाते हैं बच्चे, और हम तो खा लेते हैं लेकिन जो है ये नहीं खाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो ये बच्चों जैसे खाना खाते हैं, ना तो तीखा रहे ना तो ज़्यादा तेल रहे, तो इस तरह से खाते हैं। तो और हम लोग को तो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, थोड़ा चटपटा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के मैं मिक्स कर दी हूँ। और जो है मुझे रायता थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन दही जो है ना पतली करके रायते में डालना चाहिए, क्योंकि दही हेवी होता है। अगर हम गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं ना तो फिर वो नुकसान कर जाता है। और पतली दही रहती है ना तो आप कितना भी खा लीजिए तो नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह तो मेरी पहले ही बन गई थी, और यहाँ पे मैं देखिए चाट मसाला भी डाल देती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप हंसते नहीं हो, तो मैं हंसती हूँ, बातें भी बहुत करती हूँ, लेकिन अकेले जब इंसान रहता है तो अकेले में क्या बात करेगा, है ना। कैमरे के सामने आप लोग से बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी जब हो जाती है ना तो लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर करके देखते हैं और फिर कमेंट करके चले जाते हैं। तो जब सामने कोई बैठा रहता है तो हंसना बात करना तभी आता है। और यहाँ पे देखिए जो मैं वीडियो बनाती हूँ, काम की वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग को अगर पसंद आए रेसिपी, अगर आप लोग को कोई भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस रेसिपी को आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, है ना। देखिए चीज़ें वही रहती है लेकिन सबका जो बनाने का तरीका होता है अलग अलग रहता है, और अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है अलग ही रहता है कि नहीं। और सबके हाथों का अलग टेस्ट रहता है, और इस तरह से हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। मैं भी जो सीखी हूँ ना तो दूसरों की मतलब जो वीडियो है, कुछ चीज़ें वीडियो से सीखी हूँ और कुछ चीज़ें ना जैसे
हम जहाँ पे रहते हैं हमारे कैंपस में ना हम बहुत मतलब दूर दूर के लोग रहते हैं, हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो देखिए हर स्टेट का जो खान पान रहता है वो अलग रहता है, तो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो इसलिए देखिए हम एक दूसरे से सीखते हैं किसके तरफ क्या बनता है, किसके यहाँ क्या खाते हैं, है ना। तो अगर कोई बुलाया खाने पे या नाश्ते पे, तो कोई नई चीज़ें जब खाते हैं ना तो उसको पूछ लेते हैं कि कैसे बनता है। तो इस तरह से मैंने भी सीखा है, इसीलिए मुझे बहुत सारी रेसिपी आती है और मुझे थोड़ा बना खाना उन्हें बनाने में ना तो मुझे अच्छा लगता है। और सब लोग खाना पीना खा लिए थे और थोड़ी देर रेस्ट किए, और यहाँ पे बर्तन जो था ना मैंने धुल के रख दिया है और फिर इसको लगा दूँगी हैंगर में। और यहाँ का जो पानी है ना, इस पानी में ना सफ़ेद सफ़ेद चूना जैसे आता है, तो जो हैंगर है ना इसका भी साफ़ करिए, तो जो सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है ना साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये छोटी वाली जाली वाली टोकरी ली कि पहले बर्तन को धुल के ना फिर हैंगर में लगाएंगे। और पहले क्या होता था ना कि मैं डायरेक्ट जैसे धुल के यहाँ पे रख दे और फिर डायरेक्ट जो है हैंगर में लगा देती थी, तो इसकी वजह से ना और थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद हो गया, उसको कितना भी ब्रश से रगड़ते हैं ना वो साफ ही नहीं होता है। तो और यहाँ पे ये जो स्लैब बना है ना, तो ढाल जो है सामने की तरफ दिया है, सिंक की तरफ नहीं दिया है कि बर्तन रखिए या कुछ रखिए ना कि पानी पलट के सिंक में जाए, ये सीधा ना जिधर खड़े होते हैं उधर ही निकलता है और फिर नीचे पूरा किचन गीला हो जाता है। और देखिए टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया है, बड़ी मुश्किल से जो है बर्तन धुल पाया। और मैं सोचती हूँ ना कि घूमने जाने के पहले मेरा किचन साफ़ हो, बर्तन साफ़ हो, बस टहल के आए और सिर्फ खाना बनाने का रहता है। तो ये कपड़े भी मैं धुल के रख दूँगी और फिर आरओ का जो पानी है आरओ में भरा हुआ है तो उसको निकाल लूँगी, और फिर जब डायरेक्ट वाला पानी चलेगा तो फिर आरओ भर जाएगा और उस पानी को फिर मैं सुबह निकाल लूँगी, और फिर जब सुबह पानी भरेगा तो फिर चलेगा तो फिर भर जाएगा, है ना। तो इस तरह से करती हूँ, थोड़ा सा पानी भी स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि आंधी तूफान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है और लाइट भी चली जाती है ना, दो दो तीन तीन दिन नहीं आती। गर्मियों में दो काम बढ़ जाते हैं हम लेडीज लोग का, जो है बॉटल में फ्रिज में पानी रखिए और फिर कूलर में पानी भरिए, दोनों टाइम हो जाता है काम, तो बहुत बड़ा काम रहता है।